हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जिसके आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी। दूसरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी, जो आप नीचे भी देख सकते हो। टेक्निकल लवली मनी का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन आई थिंक किधर आता है पता नहीं, याद नहीं रहता मुझे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ किकिंग के बारे में, फ्री स्टाइल की किकिंग के बारे में। पानी के अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि कैमरा मैं घर में भूल गया, उसके लिए सॉरी। तो मेन बात आज किकिंग की करेंगे कि किकिंग में आप क्या गलतियाँ करते हो जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते पानी में, और आप किक में कौन सी गलती करते हो जिसके कारण आपकी किक बार बार नीचे जाती है। ये कुछ टिप्स देने वाला हूँ किकिंग के बारे में आज, सिर्फ ये वीडियो किकिंग के बारे में। बीच में मैं थोड़ी सी ब्रेस्ट के किकिंग भी बता दूंगा और बैक की किकिंग भी थोड़ी सी बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो अब जाते हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर मतलब कि मैं बाहर ही बैठ के बताऊंगा यहीं पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है और आप क्या गलती करते हो। तो चलो स्टार्ट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। और कोई आपका एक चीज़ और बोलनी थी, मैं जरूरी है ये भी कि मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। अगर आपकी कोई कमी मतलब कि वीडियो देख के भी नहीं दूर हो रही, आप मुझे कमेंट करते हो, मेरा कमेंट भी नहीं समझ लगता, जो चीज़ में आपके प्रॉब्लम आ रही है उसकी वीडियो छोटी सी क्लिप बना के मेरे ग्रुप में डाल दो, ताकि मैं वीडियो देख के आपको बता सकूँ कि आप क्या गलती कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ अभी मुझे काफ़ी जने का मैसेज आता है कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं किकिंग कर रहा हूँ पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो उसके लिए आप एक क्लिप बना के अपने वीडियो का कि जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो तो मुझे भेज दो, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। ओके फ्रेंड्स, तो आप पूरे तैयार है, मेरा थोड़ा सा फेस कट रहा है, उसको मैं सेट कर लूँ, कैमरे को मैं सेट कर लेता हूँ हल्का सा ऐसे। ओके तो फ्रेंड्स, करना क्या है, आप क्या गलती करते हो कि पानी में जाके आप फ्लोटिंग करते समय किक को ऐसे 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 चलाते हो, ऐसे 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 लूज बैर छोड़ के तेज तेज ऐसे चलाते हो जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, ठीक है। फिर आपको लगता है कि हम फ्लोटिंग कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि पानी के अंदर आपके पैर ऐसे 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 चल रहे होते हैं, ऐसे 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 हल्के हल्के। लेग्स को स्ट्रेट रखना है, पैरों को फोल्ड रखना है, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है, ठीक है। ये पॉइंट रख के इनको तेज तेज आपने ऐसे चलाने हैं, हल्के से फोल्ड हो भी जाते हैं, बल्कि इतने फोल्ड हो भी जाते हो कोई इशू नहीं, बल्कि ये पैर ऐसे ही चलाने हैं। लेसन ये चीज़ टक 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 टक, इसी की आप अगर बाहर बैठ के मतलब कि एकदम सीधे पे बैठ के, मतलब कि ये चीज़ ऐसे बैठ के ऐसे स्ट्रेट करके ना, इसकी आप ऐसे रोज़ प्रैक्टिस करोगे मिनिमम 200 बार या 50 टाइम, अगर जितना आपका स्टेमिना है उतना करोगे ना, तो आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, ब्रेन को भी याद हो जाएगा कि पैर ऐसे चलाने हैं, जिसके कारण जब आप फ्लोटिंग करके पैर चलाओगे ना तो आपको याद आएगा कि मैंने इस चीज़ की प्रैक्टिस की है तो ये ऐसे चलाना है। उसके बाद देखना आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करते हो, पानी में ऐसे 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 पैर हिलाते हो जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते, पर पानी जरूर जो पानी है वो पूरा सोंड देता है अपना, ठीक है। पर आप जब ऐसे चलाओगे ना, पानी ऊपर तो जाएगा जाएगा, साथ में आपकी बॉडी भी आगे जाएगी, ठीक है। और इससे आपको मतलब कि हल्के से ऐसे टाइट रख के आपको ना ऐसे चलाना है, यानी आप ऐसे लूज छोड़ के ऐसे 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 ना हल्के से टाइट रख के फिर आपने चलाना है। इससे आपकी जो स्पीड है वो तेज़ होएगी, ठीक है। और जब आप इसको चलाओगे, इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, इसमें आपका पेट भी पतला होगा। मेरा तो पतला नहीं है पर आपका जरूर पतला होगा, क्योंकि मैं तो करता ही नहीं हूँ प्रैक्टिस, ठीक है। आपने अगर ये चीज़ कंटिन्यू करोगे तो आपके एप्स भी निकल आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस करोगे, जब आप ऐसे बैठ के करते हो तो ये हमारा मसल प्रॉपर टाइट हो जाता है, जिसके कारण जो इसकी एक्स्ट्रा फैट होती है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कंज्यूम होने लग जाती है, मतलब ख़त्म होने लग जाती है, ठीक है। क्योंकि जब आप ये वाली एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो कैलरी है वो काफ़ी बर्न हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ एक तो आपने ऐसे प्रैक्टिस बैठ के करनी है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़। उसी के बाद दूसरी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपने, अपनी बॉडी को ये चीज़ आपने, ये किकिंग के साथ साथ स्टमक की एक्सरसाइज भी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बैठ के आपने पूरे हाथ सीधे कर ले, फिर उसके बाद आपने ये किकिंग करनी है। ये आप घर में भी कर सकते हो, जो नहीं पूल के ऊपर करनी है, ये चीज़ करके आपने ये किक करनी है कंटिन्यू, मतलब कि स्टेमिना बना लो, बल्कि हाँ भाई आपने 20-20 के तीन सेट मारने हैं, फिर धीरे धीरे 25-25 के मारने, तीन ऐसे सेट मारोगे तो स्विमिंग के साथ साथ आपका वेट और पेट दोनों रिड्यूज होगा, कम होगा, ठीक है। एक तो थी ये एक्सरसाइज। अब मैं बताता हूँ ब्रेस्ट की। ब्रेस्ट की किक में क्या करते हैं कि एक पैर तो ऐसे चला देते हैं, जैसे कि मैंने देखा हुआ है रोहन खासकर, अब तो सही हो गया, पहले उसकी ये प्रॉब्लम थी कि वो एक पैर तो ऐसे चलाता था और एक पैर ऐसे चलाता था। ये किकिंग गलत है, ठीक है। दोनों पैर फोल्ड करके ये पैर ऐसे चलेंगे, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब पैर फोल्ड करते हो ये पेट की साइड को नहीं आते, ये सीधे ही रहते हैं, पैलरे मतलब कि स्ट्रेट रहते हैं, मतलब कि जब मैं ऐसे फोल्ड करके ना ये किक ऐसे चलेगी। पर मैं अभी बाहर बता रहा हूँ, तो ये मैं पैरों को मूवमेंट दिखाने के लिए मैं बाहर बता रहा हूँ। ये चीज़ ऐसे फोल्ड करके ये चीज़ को एंड टाइट करना है, फिर इसको किक करना है प्रेस, फिर ज्वाइंट कर लेना है ऐसे, ठीक है। क्योंकि किक करने के बाद तुरंत ज्वाइंट करना है,
क्योंकि जब आप किक करते हो तो प्रेशर आगे को जाता है, ज्वाइंट करते तो भी आगे को जाता है, ठीक है। कई क्या होते हैं किक कर देते हैं ज्वाइंट करते नहीं, जिसके कारण उनको और प्रेशर नहीं मिलता, ठीक है। ये थी मतलब कि आपको एक चीज़ और बता दूँ कि सिर्फ ब्रेस्ट में ऐसे पैर रहते हैं, अदरवाइज सभी किकिंग में ऐसे रहते हैं, डॉल्फिन में, बटरफ्लाई में, और क्या कहते हैं फ्रीस्टाइल में, बैक में सेम ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। बैक की किकिंग तो सेम ऐसे ही चलती है। अब फ्री की किकिंग आप एक तो जो बैठ के प्रैक्टिस करते हैं वो, और एक अब करनी है लेट के प्रैक्टिस, मतलब कि आपको जो थोड़ा जैसे सेम स्विमिंग करते हो वैसे प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, आपने इसके ऊपर लेट जाना है ऐसे, ठीक है, और साथ में आपने ये पैरों को सीधा रखना है और अब ऐसे चलाना है, ठीक है। इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कर सकते हो उतना बेनिफिट है। जब इसके आप बाहर लेट के प्रैक्टिस करोगे तो पानी के अंदर ऑटोमेटिकली ये सही चलेगी। तो अब हम बताएंगे कि पानी के अंदर सेम प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया है। पानी के अंदर कैमरा नहीं लेके जा सकता, उसके लिए सॉरी, और बीच में जा सोंड भी ना आए, क्योंकि जब मैं स्विमिंग करूँगा पानी की सोंड आएगी, क्योंकि मेरा मैग ये रहा जुगाड़ किया हुआ है, पानी ना चला जाए और तो मैग भी लंबा हो जाए। तो चलो अब थोड़ा कैमरा सेट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब कैमरा सेट कर लिया मैंने, चश्मा लगाया करो हमेशा। रीज़न क्या रहता है कि आपको क्लोरीन का पानी आंखों को कम नुकसान पहुंचाता है, अदरवाइज नहीं चश्मा के बिना भी करते तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, ठीक है। अगर आपको फ्लोटिंग आती है तो ब्रीथिंग आती है तो ये तीसरा स्टेप करना है किकिंग का, ठीक है। अभी मुझे कमेंट में ये भी आ रहा था कि मेरे से ना पानी में खड़ा नहीं होया जाता, मैं क्या करूँ। अगर आप बिगनर हो तो पानी में स्टार्टिंग में खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप पानी में जरूर मतलब कि 2 से 4 राउंड मारोगे ना, मतलब थोड़ा यहाँ तक पानी आ रहा होगा, तो आपको फ्लोटिंग और खड़े होने की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो जब आप किक करोगे मतलब कि आप फ्लोट करोगे, ऐसे फ्लोट करने के बाद ना जब आपने खड़े होना है तो ये हैंड है, जो हैंड इनको नीचे प्रेस करोगे तो लेग्स ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी, मतलब कि आप ऐसे लेटो हैंड को प्रेस करोगे, ये चीज़ मतलब कि हैंड ऐसे नीचे आएंगे, लेग्स ऑटोमेटिकली नीचे आएगी, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ कम पानी में दिखा नहीं सकता, गहरे पानी में आपको दिखेगा नहीं, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखना फ्रेंड्स अगर आपको दिख रहा है तो, मतलब कि हाथ को नीचे को प्रेस करके लेग्स को फोल्ड कर लेना है, जिसके कारण आपके पैर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और बॉडी को ज़्यादा हार्ड नहीं करना, ज़्यादा आप हार्डली उसको टिकाने की कोशिश करोगे तो आप गिरोगे नीचे, ठीक है। तो चलो अब किकिंग के ऊपर वापस आते हैं। आई होप कि जो खड़ने की प्रॉब्लम थी वो आपकी दूर हो गई होगी। फिर भी बता देता हूँ कि आप पानी में थोड़ी देर रहोगे ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो अब किकिंग की बात करते हैं, जो मैंने अभी बाहर प्रैक्टिस बताई है वो अंदर कैसे करनी है। जैसे आप फ्लोटिंग करते हो ऐसे जाऊँगा, बैक से किकिंग देख लेना, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में जाते हुए किकिंग चलाई थी वो, उसके बाद आते हुए बीच में मैंने किकिंग चेंज की, वो किकिंग आप करते हो पैरों को ऐसे 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 हिलाते रहते हो, जिसके कारण क्या कहते हैं आप आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। एक बार फिर दिखाता हूँ कि आप क्या गलती करते हो जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। अगर आप सही करोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है, पर मैं क्या करूँ, मैं बल्कि चलाता हूँ तो भी आगे बढ़ जाता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपका जोर ज़्यादा लग जाता है और आगे आप कम बढ़ पाते हो, बल्कि आगे आप कम जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि पैरों को सीधा रखे, जोर से नीचे मारोगे ऐसे थार 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 थार, जो पानी का साउंड है आपको पानी के अंदर दिखेगा, जैसे ना ड्रम बजते डुक 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 डुक, ऐसे आपको आवाज़ सुनेगी, बल्कि पानी के अंदर ना छप 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 छप, बल्कि एक होता है पानी को ऐसे ऐसे हिलाना, एक होता है पानी में ऐसे 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 चलना, मैग ना खराब हो जाए, बल्कि पानी में डर लगता रहा ना। तो यही थी आज की किकिंग की कुछ टिप्स, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ब्रेस्ट में क्या होता है अब देख लो, ब्रेस्ट में जब आप लेट के प्रैक्टिस करोगे आपको तो नहीं दिखेगा कि नहीं मैं जाना नहीं चाहिए, ये चीज़ ब्रेस्ट में, जैसे ये पानी है ना, इसको आपने पैरों को ऐसे फोल्ड नहीं करना, ठीक है, पैरों को आपने ऐसे रखना है, फोल्ड स्ट्रेट एंड स्ट्रेट, फोल्ड स्ट्रेट एंड स्ट्रेट, क्योंकि जब आपने फोल्ड करना है तो पैर ऐसे हैं, फिर इनको टाइट कर लेना है पैरों को ऐसे,
फिर किक करना, फिर ज्वाइंट कर लेना। ये चीज़ दो जगह यूज़ होती है, एक तो आप मतलब कि जब आप साइकिलिंग करते हो गहरे पानी में खड़े रहने के लिए ये किक यूज़ होती है, ठीक है, और ब्रेस्ट में ये किक यूज़ होती है, ठीक है। बल्कि किक कैसे करनी है सब आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो काफ़ी है, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगली वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, ये वीडियो इस बार लाइट होगी, बल्कि आज सोमंगल बुधवार हो गया, और देखते हैं कल की शायद शूट करके मैं कल की वीडियो भी जल्दी डाल दूँगा, ठीक है। और कल की कौन से टॉपिक पर डालूँ इसी वीडियो में कमेंट करके बताना मुझे, हैशटैग वीडियो का नाम बता देना कि कौन सा कर रहे हैं, मतलब कि कौन से स्ट्रोक पे बताऊँ, मतलब कि ऑप्शन दे देता हूँ, गहरे पानी में कैसे खड़े रहें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि हैंड मूवमेंट की मैंने बता दी है, ब्रीथिंग की मैंने बता दी है, फ्लोटिंग के ऊपर मुझे कह रहे थे कि कहीं बैक फ्लोटिंग मतलब कि जो उल्टी होकर फ्लोटिंग करते हैं उसके ऊपर बनाओ। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आपके पैर नीचे क्यों जाते हैं, आप ना ये चीज़ फोल्ड कमर को ना टाइट रख के आप ऐसे फोल्ड रखते हो, ऐसे मतलब कि जो आपके पैर है ना वो चेस्ट की तरह हल्के फोल्ड रहते हैं, आप स्ट्रेट नहीं करते, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और जो खड़े होने वाले हैं कि जो कह रहे हैं खड़े में प्रॉब्लम रहती है, उन्होंने किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, उन्होंने पानी के अंदर ऐसे खड़े हो जाना और सिर्फ प्रेस करके फ्लोटिंग करनी है ऐसे, फिर खड़े हो जाने, फिर ऐसे ही आगे जाना। मैं आप इधर आके दिखाता हूँ, ये चीज़ उन्होंने करनी है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे आपके खड़े होने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी फ्लोटिंग भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, अभी मुझे याद आया था फिर मैं भूल गया, मैं क्या करूँ, मैं मतलब कि मैं बादाम कम खाता हूँ, अखरोट कम खाता हूँ तो भूल जल्दी जाता हूँ। हाँ तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, तो वीडियो करते हैं एंड, ये मैं एक, तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये है मेरा स्विमिंग बाय मनी चैनल, दूसरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी, जिस पे आपको ये सब देखा। अगर वीडियो में कोई कमी है तो मुझे माफ़ करना, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना हैशटैग अगली वीडियो कौन सी बनाओ।